हेलो फ्रेंड्स, तो आज का गिटार लेसन रहेगा बॉलीवुड मूवी अनेक से रैबिट कैफे सॉन्ग जो नेहा जी ने गाया है। तो इसको हम पहले तो इसका इंट्रो देखते हैं, ठीक है। तो कैपो मैंने यूज़ किया है थर्ड फ्रेट पर और यहाँ पर ए माइनर आपको प्ले करना पड़ेगा। कैपो थर्ड फ्रेट पर है और यहाँ पर ए माइनर, ठीक है। ए माइनर का हम पावर कॉर्ड लेंगे पहले तो, ठीक है। ये हो गया ए माइनर का पावर कॉर्ड और ऊपर ई मेजर, ठीक है। ई मेजर का पावर कॉर्ड लेंगे, यहाँ पर जी मेजर आपको प्ले करना है, फिर से ए माइनर, ठीक है। तो आइए इसका पहले तो इंट्रो देखते हैं। तो ये चार बार प्ले किया है, उसके बाद यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग प्ले किया है, ठीक है। पहले तो कॉर्ड पर प्ले किया है और यहाँ पर स्ट्रिंग पर, ठीक है। ऐसे करके चार बार प्ले किया है, ठीक है। तो इसके धीरे से देखते हैं। और एक बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना कि आपको ऐसे ही नए गाने का अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये प्ले करेंगे हम, तो ये आपको प्ले करना है ए माइनर पावर कॉर्ड और पहले तो डाउन स्ट्रक और अप स्ट्रक, तीनों स्ट्रिंग, सिक्स फिफ्थ फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है। डाउन और आपको चक करना है, ठीक है, म्यूट करना है और फिर से अप लेना है और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, सिक्स स्ट्रिंग ओपन और सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। ये प्ले करना है आपको, इसको चार बार प्ले करते। और उसके बाद यहां पर स्ट्रिंग पर सिंगल स्ट्रिंग प्ले करेंगे। तो ये आपको प्ले करना है सिक्स स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट और थर्ड फ्रेट, यहाँ पर दो बार और थर्ड फ्रेट और फिफ्थ फ्रेट और फिर से सिक्स स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट और फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट। ऐसे करके आपको चार बार प्ले करना है। चार बार प्ले करना है और उसके बाद ये गाने में ये रिफ यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ए माइनर का पावर कॉर्ड ले लीजिए और उसके बाद वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर ये प्ले करना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर आपको सिक्स स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है और थर्ड फ्रेट पर प्ले करना है और थोड़ा सा बेंड करना है। और इसी में गाना शुरू हुआ है, ठीक है। रूद इज रैबिट, इसे प्ले किया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा मतलब काउंटर पीस से फिल ऑफ, तो इसको भी देखते हैं गाने के साथ, ठीक है। ओके, तो इसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पर प्ले करना है या फिर आप प्ले कर सकते हैं, ये भी प्ले कर सकते हैं और ये भी प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर दो बार प्ले करना है और फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पर बैक टू थर्ड फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वाइब्रेट करना है, ठीक है। या फिर फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग एक ही साथ आपको दो बार प्ले करना है और फिर से फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट सेम, फिर से यहाँ पर और थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, ऐसे भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और
इसे प्ले कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे आप वही प्ले करिएगा। और उसके बाद थ्रू द जोन रन ये प्ले कर सकते हैं आप, ठीक है, ये आपको प्ले करना है। पहले तो ए माइनर का पावर कॉर्ड आप जो लेंगे उसमें फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग दोनों एक साथ प्ले करिए, और थर्ड स्ट्रिंग प्ले करिए, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, और फिर से थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, और फिर से थर्ड स्ट्रिंग और ऊपर फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग पर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर फिर से सेम लिरिक्स आएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड स्ट्रिंग को थोड़ा थोड़ा सा आपको हल्के से ब्लैंड सॉरी बेंड करना है, ठीक है, ऐसे बेंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेट पर ऐसे करना है, और थर्ड स्ट्रिंग 7 फ्रेट पर थोड़ा सा बेंड करके रिलीज करना है, और यहाँ पर 5 फ्रेट फिफ्थ फ्रेट पर आपको सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग को एक ही साथ प्ले करना है, और फिर से यहाँ पर दो बार, और फिर से बैक टू फिफ्थ फ्रेट, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से सेम लिरिक्स आएगा, और सेम मेलोडी है, और सेम ही है, सब सेम ही है। आपको यहाँ पर करना है सेकेंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पर, और फिर से सेकेंड स्ट्रिंग और एट फ्रेट पर फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। आपको ये दो बार प्ले करना है, फिर पहले तो ये और सेकेंड में इसे आपको प्ले करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ई मेजर का पावर कॉर्ड लेना है, और जी मेजर, और फिर से ए माइनर का पावर कॉर्ड, तो ऐसे आप प्ले कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया है, आपको पावर कॉर्ड यहाँ पर प्ले करके डाउन स्ट्रोक फिफ्थ स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट पर प्ले करके पुल अप करना है, थोड़ा सा बेंड करके, ठीक है, और ये प्ले करके सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, और फिर से ए माइनर का पावर कॉर्ड, इसको देखते ऐसे करके आप दो बार प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना करके आप सोलो पार्ट आएगा, आप सोलो पार्ट को देखते हैं। ओके, तो ये सोलो को भी देखते हैं, धीरे से देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से प्ले किया ये, आपको फ्रेट और नंबर में आपको बता देता हूँ, क्या वो यूज़ किया है थर्ड फ्रेट पर, आपको पता है थर्ड फ्रेट पर हम लोगों ने क्या पे यूज़ किया है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो इसलिए मैं फ्रेट नंबर जैसे नॉर्मल काउंट करते हैं वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। 17 फ्रेट पर फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग का आपको प्ले करना है दो बार अप स्ट्रोक, ठीक है, इसके बाद आपको थर्ड सेकेंड और फिफ्थ स्ट्रिंग 15 फ्रेट पर ऊपर प्ले करना है सिंगल सिंगल, ठीक है, इसे ऊपर लेना है आपको। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पर आपको सिक्स स्ट्रिंग 15 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग 13 सॉरी फिफ्थ स्ट्रिंग 13 और 15, ठीक है, इतना करने के बाद फोर्थ स्ट्रिंग 13 और थर्ड स्ट्रिंग 12 फ्रेट पर आपको प्ले करना एक ही साथ, और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग 15 पर आपको प्ले करना है, ठीक है, फिर से आपको सेम आपको ऊपर प्ले करना है फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग दोनों 17 फ्रेट पर,
फिर से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपको सिंगल सिंगल प्ले करना है ऊपर, इसे प्ले करना है, ठीक है, इसे प्ले करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ स्ट्रिंग 15 टू 17 डाउन स्लाइड और थर्ड स्ट्रिंग 15 फ्रेट और 14 टू 15 डाउन स्लाइड फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग 14 फ्रेट पर आपको प्ले करना है। और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग 17 पर प्ले करना है। अब यहाँ पर आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग और 15 टू 7 हैमर ऑन हल्के से और सेकेंड स्ट्रिंग 16 फ्रेट और 18 फ्रेट पर सेकेंड स्ट्रिंग बेंड करना है, ठीक है। आपको धीरे से दिखाता हूँ, बेंड करने के बाद आपको 18 पर रिलीज करना है और थर्ड स्ट्रिंग 17 पर प्ले करना है, ठीक है। फिर से और फिर से आपको यहाँ पर एक बार प्ले करना है, प्ले करने के बाद थर्ड स्ट्रिंग 14 पर प्ले करना है आपको और 15 और सेकेंड स्ट्रिंग 16 और थर्ड स्ट्रिंग 14 और सेकेंड स्ट्रिंग 13। इतना करने के बाद ये आपको करना है फोर्थ स्ट्रिंग 19 फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग 17 और सेकेंड स्ट्रिंग 16 और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग 18 और बेंड करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग 15 पर आपका प्ले करना और इसे म्यूट करना है, ठीक है। आपको चार बार प्ले करना है, ये 1 2 3 4 और फर्स्ट स्ट्रिंग 18 फ्रेट और 20 फ्रेट, ठीक है। तो आइए इसको पहले से देखते हैं, धीरे से। तो इतना करने के बाद सेकंड लिरिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं आप, तो आइए इसको देखते हैं। आपको ए माइनर पर प्ले करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 Lies in mass, lies in mass again। तो ऐसे आपको दो बार यहाँ पर प्ले करना है, ठीक है। आप इसी तरह दो बार प्ले करिए, सेम लिरिक्स होगा, थोड़ा मेलोडी में डिफरेंट रहेगा। तो उसके बाद दूसरा आएगा, आपको ई पर प्ले करना है और जी मेजर पर, जी मेजर पर, ठीक है। ई मेजर और जी मेजर पर आपको प्ले, ओके। इसको फिर से देखते हैं, आपको फिर से ये प्ले कर सकते, ठीक है। फिर से अब और यहाँ पर आपको आना है दूसरा कॉर्ड, यहाँ पर यूज हुआ है वो आपको मैं बताता हूँ। आइए इसको देखते हैं, आपको यहाँ पर डी शार्प पर आना है और उसके बाद ए माइनर का यहाँ पर ऑल्टरनेटिव कॉर्ड आप प्ले करके ऊपर डाउन स्लाइड कर सकते हैं, अप स्लाइड कर सकते हैं। इसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अब दूसरा लिरिक्स देखते हैं इसका, ओके। तो फिर से सेम
आप प्ले कर सकते हैं, और फिर से कोरस आएगा। इतना ही है, ठीक है। और इसमें सेकंड लिरिक्स पर, सेकंड गाना है इसमें, थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब प्लगिंग यूज किया है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर प्ले करना है सिक्स स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, और थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ये प्ले करना है आपको। और दूसरा ये दूसरा प्लगिंग है सेकेंड इसका, सिक्स स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पर, और फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, और थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पर। अब ये गाना को सुनिए, बीच में लिरिक्स है, एक गाना है उसमें इस तरह से प्लकिंग यूज किया है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक लिरिक्स है यहाँ पर, ये है Blood on their hands. तो ऐसे यूज किया है, ठीक है। फिर से सिक्स स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, और थर्ड स्ट्रिंग, और यहाँ पर सिक्स स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, और थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, और लास्ट में एक यहाँ पर जी मेजर पर, आपको सेकेंड फ्रेट पर, सॉरी जी मेजर नहीं, एफ शार्प का रूट नोट लेना है आपको, ठीक है। और फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, सॉरी फोर्थ फ्रेट, और थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, ये एक यूज हुआ है। और उसके बाद सेम रहेगा ई मेजर का पावर कट, और जी डी और ए माइनर, उसके बाद सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो था बॉलीवुड मूवी अनेक से रैबिट कैफे सॉन्ग का गिटार लेसन। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। हम मिलते हैं दूसरे लेसन पर, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रॉकिंग। ओके, मिलते हैं दूसरे लेसन पर।